गजब सौदक देखो, बहुत सही ऐसा रिएक्शन दियो पूरे मेला में। ओफो गाइस इसका रिएक्शन देखो, इसका इसके तो भैया फट रही है। सो गाइस वेलकम बैक टू दिस माय न्यू एपिसोड। आज भैया ठंडी बहुत तेज है और अभी हम आए फिलहाल तो मेला, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है आज तो मेला क्या ही होगा। मेला एकदम सुनसान है, सूखा वाला। तो आज का मेला यहाँ एंजॉय करेंगे, कल का मेला हम कहीं और एंजॉय करेंगे। चलते अभी मेले में, थोड़ा रिएक्शन विएक्शन लेते हैं, ब्लॉग व्लॉग करते हैं मेले में, देखते हैं क्या कुछ खास है क्या इस मेले में। वैसे मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ खास होगा, क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही है तो कोई आदमी आया ही नहीं आज। मेले की भीड़ भाड़ देख लीजिए, कुछ खास लग नहीं रहा है, और कल हम कहीं और जाएंगे। एंजॉय कर लिया था तो आज हम चल रहे हैं फिलहाल दूसरी जगह। मैं हूं और मेरे साथ में मोटा भाई है, और मोटा भाई का एक फ्रेंड और है जो कि मेरा फ्रेंड है। तो हम तीन लोग जा रहे हैं एक ही गाड़ी से। ओफो पूरा देसी पाउडर उड़ा दिया रे। हमको भैया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम हेलमेट लगाए हैं और हेलमेट का वाइजर बंद है। हमको भैया नहीं पड़ेगा धूल गर्दा, तुम लोग अपना अपना थोपड़ा बचा के रखो। क्या है भैया यहाँ पे, शादी वादी है का? बिरयानी खाना हो तो रुक जाओ यहीं पे भाई साहब। देख रहे हो, धीरे धीरे चलो, गाड़ी का शॉकर नहीं तो खराब हो जाएगा। वो इधर देख रही है, वो छोटी लड़की उसको मना कर रही है। आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। I love you, मेरी क्यूटी भाई। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो। बस भैया बहुत हो गया तुम लोग का रिएक्शन, अब हमको साइड दो और जाने दो। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा। अबे न्यूट्रल हो गई वे गाड़ी। चल ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत हमका यही लगा था वही में। अभी हम आ चुके हैं मेले में। मेले में तो भैया भीड़ ही भीड़ है, कहाँ ब्रिज के नीचे गाड़ी लेके चले उधर खड़ी कर देंगे ना भाई साहब। आज तो मेले में बहुत कम भीड़, पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। चलो फिलहाल ब्रिज की तरफ ही चलते हैं, वहाँ गाड़ी खड़ी करके फिर पूरे मेले का मजा लेंगे। भाई पूरी गाड़ी धस गई भाई बारू में। उतर भाई। अबे पहले गियर में गाड़ी करते हैं देखे। अबे भैया उतर लो पूरी गाड़ी पहिया बैठ गई वे। अबे पूरी गाड़ी पहिया बैठ गई भैया। अब तुम लोग पैदल आओ बेटा, इमे गाड़ी ना चली है। चलो तुम लोग उधर चलो, हम इधर से चली थे। चलो अबे भाई गाड़ी इसमें तो नहीं चलने वाली भाई, देख रहे हो पूरा एक्सीलेटर दिए हैं, तब जाके पीछे की सीन कहीं दिखा दें भाई आपको हम कि पीछे कैसी गाड़ी चलती है। उतर लो भैया, गाड़ी यहाँ से ऊंचे नहीं जा सकती, समझ रहे हो।
देख रहे हैं भैया पीछे धूल है, दूर उड़ रहा है। धक्का लगा बे, 10-5 रुपये फंसा के देख लो, आया तो ठीक है, नहीं आया तो। अरे गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं हो सकती, रुको गाड़ी उधर खड़ी कर देते हैं। चलो तुम लोग चलो आ रहे हैं, समझ रहे हो भैया, रेत में समझ लो गाड़ी चलानी पड़ रही है। पूरा का पूरा इलाका ही बारू बारू का है, गाड़ी और वैसे पूरे बालू बालू में टायर नाच के एकदम साफ हो गया, चमक गया है। पूरी गाड़ी सुबह सुबह ही साफ की थी यार, कितना धूल मिट्टी हो गया। ओ भाई साहब इंजन कितना गर्म है यार, इंजन बहुत गर्म है भाई, क्योंकि 3-3 लोग बैठे हैं, पूरी पूरी पहियाँ धस जाती थी इसमें तो। हाँ अच्छा उसी साइड में ना चलना, चलना तो फिर बताना और क्या। ठीक है तो नंबर दे दिए, कॉल कर लेना भाई। मस्त अभी R15 पाइप धुल के लेके आए, उस दिन हम लोगों ने इसी पे भाई एक रील शूट किया था। क्या हुआ सब्सक्राइब भाई 650 के प्लस हुए हैं, 650 हाँ कर देना भाई, गरीब गरीब ब्लॉगर। हाँ भाई के 755 थे शायद उस दिन, हम देखे थे परसों, देखे थे परसों वापस से वाला ब्लॉग देखे थे ना। नानपारा कभी आना बताना ठीक है। चलो भाई छोटे छोटे ब्लॉगर मिलके किसी एक दिन बड़ा वाला कंटेंट क्रिएट करेंगे भाई हम लोग मिलके, फिलहाल तो अभी सबसे बातचीत चल रही है। हम लोग शॉर्टकट मार के आए थे, हमको पता था तुम इधर से आओगे, इसीलिए हम लोग उधर वाली गली में से आ गए थे शॉर्टकट मार के। तो भैया ये दुर्गेश पता नहीं कहाँ घुमा रहा है भैया, हम लोगों को अपने कॉलेज में लेके आया है। और ये हमारे पीछे बैठा शख्स, इसने हमारे कज़न को भी कॉल कर दिया है। वो क्या कह रहे हो, कहीं जा नहीं रहे वो पागल इंसान भैया, मेला घुमा रहा है, मेला घुमा रहा है, तो हम लोग मेला घूमने आए हैं। और क्या हाल है नया पार्टनर, फुल एंजॉय, फुल एंजॉयमेंट, फुल एंजॉय। हमारे दादा को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू थैंक यू। सिर्फ बोलते हो लेकिन करते नहीं हो तुम लोग। जी जरूर करेंगे, थोड़ा इधर आ जाओ तो फ्रेम में आ जाओगे। तो ला मोबाइल में देखे सब्सक्राइब है कि फेक सब्सक्राइबर के नाम पे हो, अपने परिवार वाले ना सब्सक्राइब कर रहे भाई। ला यहाँ यूट्यूब खोलो, अभी अभी खोलो तुम, खोलना चाहते होगा। 150 में फुल फुल मजे, 150 में रशियन बुलाए होगा, स्कूल वाली। अच्छा स्कूल वाली लड़की यहाँ ही डांस करेंगी, चलो सब्सक्राइब तो है। तो कुछ गिफ्ट मिलेगा दादा, किस खुशी में सब्सक्राइबर हैं आपके, सब्सक्राइबर हो आपके, किसी दिन गिफ्ट देंगे जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं टनल में, और टनल में भी भाई इसकी साउंड सुनना कितनी खतरनाक लगती है। आए साहब टनल में कितनी कर्री आवाज आती है, टनल में तो ऐसा लगता है कि एग्जॉस्ट लगा रखा है तगड़ा वाला, इतनी भयानक साउंड निकलती है इसमें से। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं तीसरे नंबर वाले मेले में, जो कि दुर्गेश हमें लेके आया अपने गांव की साइड मेले में। तो इधर भाई भीड़ भीड़ देख के लगता है कि यार काफी तगड़ा मेला है। कहाँ से चलना है, यहीं से चलना है क्या, यहीं से मुड़ना है, गाड़ी ले जाने देंगे, पुलिस वाले खड़े हैं तो क्या हुआ भाई। अरे बाप पब्लिक पब्लिक वाले, हाँ तो पुलिस वाला तो देख ही रहा था, वो तो मैंने भी देखा था। गाड़ी इधर ही कहीं लगा दें क्या, बाप रे बाप कितनी कर्री पब्लिक है रे, ये मेला तो बड़ा ही हम लोगों से उधर का तगड़ा वाला है। इधर गजब सौदक देखो, बहुत सही ऐसा रिएक्शन दियो पूरे मेला में। एक बड़ी प्रॉब्लम है कि भैया ये हेलमेट मतलब अपने साथ में टांग के चलना पड़ रहा है, अभी झूला उला झूलेंगे तो कैसे झूलेंगे भाई हैं। और मेले में भैया बड़ा धूर गर्दा उड़ रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा
लेकिन मेला भाई इतने पब्लिक आई है क्या बताएं। क्या मेला है, झूला ना झूले ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या मेला है, वीडियो वाओ क्या लड़का है बनाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई रिएक्शन मिल ही नहीं रहा भैया हम लोग को तो। भैया हम सोचे तो झूला झूलेंगे लेकिन देख रहे हो झूले पे कितनी भीड़ है भाई साहब। खाने पीने वाला ढूंढ रहे हैं भाई जो हमें पेट पूजा हो सके हमारी, लेकिन भूख बहुत तेज लगी है ना तो इसीलिए कुछ खाने पीने वाला ढूंढते हैं पहले। वीडियो बन रही है ना। ये काली काली आंखें, ए भैया गुब्बारा वाला है, गुब्बारा वाला ले लो। या तो हमका निकल जाए तो या तो तुम निकल लो इमा से, देखा तो। ले ले बे, जो कुछ लेना हो बे भाभी के लिए ले ले। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसा रास्ता मिले। ले ले बे भाभी के लिए ले ले, भाभी तो यही है। अरे बस कर भाई, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में जलवा के लिए तो बड़ी गर्दी है बे, देखा था। प्राइस बड़ी हाई फाई हो गई झूले की तो। वही बताई था भाई, झूले की प्राइस तो बड़ी हाई फाई है बे। मेला यार भैया, झूला ना झूले ऐसा हो सकता है क्या? झूला तो हमारा फेवरेट है, मेले में यार तो बिना झूले झूले घर नहीं जाते भाई हम, ये हमारा वसूल है। ठीक है भाई, हम लोग के पास में बहुत ही ज्यादा क्राउड एरिया है भाई, बहुत ही ज्यादा पब्लिक है भाई। अरे भैया थोड़ा तेज झुलाओ तेज, तब मजा आएगा। हाँ भैया, बाय 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 बाय। तो बड़ा मजा आ रहा है, अभी देखना इसका रिएक्शन। भाई साहब जब नीचे आता है तो भाई कितना अच्छा लगता है यार। ये पीछे भाई साहब, पीछे पीछे पीछे। सीन कुछ ऐसा, मेला वेला देख के हम लोग आ चुके हैं और हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। अभी आए थे थोड़ी देर के लिए अपने दोस्त के यहाँ और सीन कुछ ऐसा हो गया भाई, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। अब धीरे धीरे चलना पड़ेगा घर और घर पहुँच के ब्लॉग एंड करेंगे। तो हम कल शाम को आ चुके थे मेले से वापस और हमें लग चुकी है ठंड, क्योंकि हम कपड़े पहन के नहीं गए थे, सिर्फ हाफ टी शर्ट थी, उसकी वजह से हमें लग चुकी है ठंड। और इस वाले ब्लॉग में आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि इस वाले ब्लॉग में हमने बहुत सारे मीम्स और रिएक्शन शूट किए हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको स्पेशली ये वाला ब्लॉग्स कैसा लगा था। ऐसे ही आप लोग प्यार सपोर्ट दिखाते रहो और मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर भाई सबसे ज़्यादा करो। शेयर करोगे चैनल की रीच बढ़ेगी, अच्छे खासे व्यूज आएंगे, अच्छे खासे सब्सक्राइबर आएंगे और मैं भी मोटिवेट हूँ आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग दिस वीडियो। चल। अरे ये जुआ वाला काम है भाई, जुआ वाला काम है, इसमें हम लोग को नहीं फंसना। चलो अब दूसरी जगह मेला चलेंगे हम लोग।